हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल मखाना और ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी की रेसिपी। इसके लिए मैंने 2 कटोरी मखाना लिए हैं। इस कटोरी से मैंने मेजरमेंट की है। 1 कटोरी बूरा, कटे हुए बादाम की कतरन, ग्रेटेड नारियल और ये तरबूज के बीज, 4 हरी इलायची और काजू। काजू को मैंने बीच से कट कर लिया है और देसी घी। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट और मखाने को रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसको गैस के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच देसी घी। फ्रेंड्स, इसमें हम देसी घी का यूज करेंगे क्योंकि ये भोग जो है हम कान्हा के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम मखानों को रोस्ट करने के लिए डाल देंगे। मखानों को हमने मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है और इनको लगातार हमने चलाते रहना है। मखानों को हमने क्रिस्प होने तक अच्छी तरह से रोस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, मखाने जो है वो रोस्ट हो चुके हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, ये देखिए। और ठंडे होने के बाद ये और भी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो हम गैस को बंद कर देंगे और मखानों को एक खुले बर्तन में पलट देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसी कढ़ाई में ड्राई फ्रूट्स जो है उनको रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए मैं इसमें 1/2 चम्मच घी ऐड करूंगी और इसमें डालेंगे काजू, कटे हुए बादाम। इससे पहले हम इन दोनों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। काजू और बादाम रोस्ट हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसे गैस को ऑन करेंगे, 1/2 चम्मच घी ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे हम ग्रेटेड कोकोनट। कोकोनट को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। हमारा कोकोनट जो रोस्ट हो रहा है, इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे तरबूज के बीज, जिसे हम मक्स बोलते हैं। तरबूज के बीज को हम नारियल के साथ ही रोस्ट कर लेंगे। हमारा नारियल और तरबूज के बीज भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनको भी दूसरे ड्राई फ्रूट्स के साथ एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने एक साथ निकाल लिया है। अब हम इनको साइड में रख देंगे। हमारे जो मखाने हैं ये भी अब ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनको एक मिक्सिंग जार में डालेंगे और इनको दरदरा पीस लेंगे। मखानों को हमने दरदरा पीस लिया है, ये देखिए। पीसे हुए मखानों को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बूरा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 कटोरी मैंने मखाने लिए हैं, 1 कटोरी मैंने इसमें बूरा डाला है। आप चाहें तो बूरा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में बूरा नहीं है तो आप पिसी हुई चीनी भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। मैं इसमें ऐड करूंगी पिसी हुई इलायची। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस सबको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो इसमें अब हम डालेंगे तुलसी। तुलसी के जो पत्ते हैं इनको अपने नाखूनों से बिल्कुल नहीं तोड़ना है, इनको उंगलियों की हेल्प से तोड़कर इस तरह से आप इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, कान्हा जी के भोग के लिए हमारी मखाना ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इस जन्माष्टमी आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।